वो मेट्रो स्टेशन आने और वहाँ से अपने घर जाने वाले मुसाफिरों के लास्ट माइल यानी सार्वजनिक परिवहन केंद्र से किसी यात्री की आखिरी मंजिल तक पहुँचाने वाले प्रमुख साधन बन गए हैं। वहीं बात करें 10 से 20 रुपए में कोई भी मेट्रो स्टेशन से आने घर या किसी अस्पताल स्कूल या दफ्तर तक पहुंचा जा सकता है। ये तीन पहिया वाहन भारत की राजधानी की ट्रैफिक से भारी सड़कों पर आपको जाम में फंसने बिना मंजिल तक पहुंचा देता है। लंबी दूरी जैसे 15 से 25 किलोमीटर तक का सफ़र तय करने के लिए आपको ऑटो या टैक्सी की मदद लेनी पड़ती है। 2-4 किलोमीटर दूरी तय करने में ई रिक्शा और सामान्य रिक्शे काम आते हैं। अगर हम ये कहें ये तीन पहिया वाहन यानी ई रिक्शा भारत में बड़ी खामोशी से इलेक्ट्रिक वाहन की क्रांति ला रहे हैं तो गलत नहीं होगा। यूरोप, अमेरिका और चीन जैसे क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों में लोगों की निजी इलेक्ट्रिक कारों का हिस्सा ज़्यादा है। इसके उलट भारत में इलेक्ट्रिक क्रांति की अगुवाई ई रिक्शा कर रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह यह है कि अमेरिका से जहां हर 1000 में से 800 लोगों के पास कारें हैं तो भारत में ये अनुपात हर 1000 की आबादी में बस 20 कारों का है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों से आवाजाही से एक साथ कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। पहली बात तो ये कि इससे प्रदूषण कम होता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के मुताबिक केवल 2017 में भारत में 12 लाख लोग प्रदूषण की वजह से समयपूर्ण मौत के शिकार हो गए थे। भारत में आज पैदा होने वाले किसी भी बच्चे की औसत उम्र प्रदूषण की वजह से करीब 2.5 साल कम हो जाती है। प्रदूषण से कैंसर, फेफड़ों और दिल की बीमारियां होने का डर बढ़ जाता है। स्कूल वैन में जाने वाले बच्चे प्रदूषण के आसान शिकार होते हैं क्योंकि इन गाड़ियों की ऊंचाई कम होती है। दिल्ली की रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट की रिसर्चर अशिता घाटी कहती हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से परिवहन बढ़ने से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ सकती है। वहीं बात करें अशिति कहती हैं भारत जैसा विशाल देश और इसकी विशाल अर्थव्यवस्था लंबे समय तक महंगे तेल के आयात पर निर्भर नहीं रह सकते। अशिता कहती हैं कि अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने ठिकाने कम थे, अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, लेकिन भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सुविधाएं तेज़ी से बढ़ी और ये सस्ती भी हो रही हैं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।